सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सीरीज है HMJ/1। कोड नंबर है 61/1/1, सेट 1 एंड परीक्षार्थी इस कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। रोल नंबर लिखना है आपको यहाँ पर। अब इसमें कुछ और नोट्स हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 17+1 मानचित्र हैं। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 31 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। इतिहास हिस्ट्री निर्धारित समय आपको मिलेगा 3 घंटे का और अधिकतम अंक होंगे 80। इसके आगे कुछ सामान्य निर्देश है वो एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूरी तरह से पालन कीजिए। प्रश्न पत्र में 5 खंड है, क ख ग घ और अंग। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क प्रश्न संख्या 1 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। खंड ख प्रश्न संख्या 21 से 24 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। खंड घ प्रश्न संख्या 25 से 27 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 350 शब्दों में दीजिए। खंड घ प्रश्न संख्या 28 से 30 तक स्रोत आधारित प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। खंड अंग प्रश्न संख्या 31 मानचित्र प्रश्न है, जिसमें महत्वपूर्ण परीक्षण मदों को पहचानना और स्थान अंकित करना शामिल है। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ ही नत्थी कीजिए। उत्तर संक्षिप्त तथा बिंदुवार होने चाहिए और साथ ही उपयुक्त शब्द सीमा का यथासंभव पालन कीजिए। कोई समग्र विकल्प नहीं है, तथापि एक एक अंक वाले 2 प्रश्नों में, 3-3 अंकों के 1 प्रश्न में, 8-8 अंकों के 3 प्रश्न में और मानचित्र प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही प्रश्न एक ही विकल्प का उत्तर दीजिए। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं। तो हिंदी वर्जन खंड क से स्टार्ट करते हैं। खंड क इसमें 20 प्रश्न हैं। हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, इन 3 प्रश्नों में आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो इस प्रश्न को भी आप कर सकते हो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रतिमा की पहचान कीजिए और इसे उपयुक्त शीर्षक दीजिए। और नोट, निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न संख्या 6 के स्थान पर बुद्ध की शिक्षाओं को कहानियों के रूप में मुख्यतः त्रिपिटक के एक ग्रंथ डैश में से पुनर्निर्मित किया गया है। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, कबीर के गुरु कौन थे, अथवा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो ये थे खंड क के प्रश्न 1 से 20 तक। अब देखते हैं खंड ख हिंदी वर्जन में क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं खंड ग के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं खंड घ के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित स्रोत का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे, तो ये एक पैरा दिया गया है और ये इसके प्रश्न हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 भी इसी प्रकार है और क्वेश्चन 30 भी इसी प्रकार है। निम्नलिखित स्रोत का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्रोही ग्रामीण। अब देखते हैं खंड अंग मानचित्र आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 एंड नोट, निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न संख्या 31 के स्थान पर
राष्ट्रीय आंदोलन के किन्हीं तीन केंद्रों के नाम लिखिए, किन्हीं तीन महाजनपदों के नाम लिखिए अथवा किन्हीं तीन बौद्ध पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए। अब प्रश्न 31(1) और 31(2) के लिए, ये मानचित्र है भारत का, रेखा मानचित्र राजनीतिक, आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पॉलिटिकल। अब इंग्लिश वर्जन के जनरल इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपको फॉलो करना है। सेम हिंदी में जैसा है वैसा इंस्ट्रक्शंस है। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज एंड गिव इट एन अप्रोप्रिएट टाइटल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वॉज द मेन रीजन फॉर अनाउंसिंग डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग इन अगस्त 1946। अब देखते हैं सेक्शन बी इंग्लिश वर्जन के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये थे क्वेश्चन सेक्शन बी के प्रश्न। अब देखते हैं सेक्शन सी के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखते हैं सेक्शन डी के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 28 इज स्टडी द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हाट द किंग्स ऑफिशियल डेड एंड दीज आर क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस इज 2 मार्क्स। एंड क्वेश्चन नंबर 29, स्टडी द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं, हर प्रश्न के लिए 2 अंक दिए गए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30, स्टडी द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। विलेजर्स एज रेवल्स। अब देखते हैं सेक्शन ई मैप बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, 31 का 1 इज ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ऑन पेज नंबर 19। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट सिंबल्स। लोथल मैचर, हरप्पन साइट, कौशाम्बी अ पिलर इंस्क्रिप्शन और अजंता अ बुद्धिस्ट साइट। अजमेर और आगरा अ टेरिटरी अंडर मुगल्स। क्वेश्चन नंबर 31.2। एंड नोट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन लिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। नेम एनी 3 सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट। नेम एनी 3 महाजनपद्स और मेंशन एनी 3 बुद्धिस्ट साइट्स। सो स्टूडेंट्स, ये थे क्लास 12th CBSE बोर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है और पैटर्न के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।